डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि अब पता है आपको, एक्सरसाइज हम लोग 6.2 में क्वेश्चंस को कर रहे थे और एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, 8 क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं 8वें क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस ये बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए सवाल में हमें गिवन दिया है, गिवन क्या गिवन है भाई, तो वाई इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू दिया हुआ है एक्स, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पूरा का, ठीक है, पूरा का क्या दिया है होल स्क्वायर। अब हमको बोल रहा है कि x का वैल्यू बताइए जब ये क्या है इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो आपको पता है ना क्या होता है, f डैश x का वैल्यू, हमें सवाल क्या बोल रहा है इतना इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो x का वैल्यू बताना है कि क्या होगा x का वैल्यू। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो एफ डस एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये एफ डस एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होता है, तो एफ डस एक्स निकालेंगे कैसे, चूंकि ये तो हमें एफ एक्स दिया है ना, वाई का वैल्यू दे दिया, तो अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो चूंकि हम लोग इंक्रीजिंग बोल रहा है तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी कि dy बाई dx निकालना होगा, ठीक है, y का वैल्यू दिया हुआ है तो हम dy बाई dx निकालेंगे तभी ना वो f डैश x होगा, यानी कि f डैश x का मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब dy बटा dx। जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे भाई किसका, तो डिफरेंशिएशन करने वाले हैं d, ये x को लिख सकते हैं x का स्क्वायर इंटू x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। जैसा कि आपको पता है कि ये क्या है, इसको बोलेंगे u और इसको बोलेंगे हम लोग v, ठीक है, तो u इंटू v पे हम लोग कैसे तोड़ेंगे, u इंटू v पे कैसे तोड़ते हैं किसी भी फंक्शन को, तो u इंटू v पे जो हम लोग तोड़ते हैं वो u को बाहर करते हैं, तो u को बाहर करेंगे मतलब x स्क्वायर, v का डिफरेंशिएशन तो डी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बट्टा में dx, प्लस v को बाहर करेंगे यानी कि x माइनस टू का होल स्क्वायर को बाहर किया, u का डिफरेंशिएशन मतलब dx स्क्वायर बट्टा में dx, u इंटू भी पर इसको हम लोगों ने क्या किया तोड़ दिया। तो चलिए फिर से ऊपर से देखते हैं कि हम लोगों को क्या बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहां x स्क्वायर का तो x स्क्वायर है, अब इसका डिफरेंशिएशन कब होगा, तो dx माइनस टू का होल स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो x माइनस टू के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला कहां चला जाएगा ऊपर, और बट्टा में dx प्लस x माइनस टू का होल स्क्वायर और इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, क्यों, क्योंकि पावर में 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2x। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए x स्क्वायर का x स्क्वायर होगा इंटू, अब पावर में कितना है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो x माइनस टू के पावर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि जो भी पावर में होता है ना वो पहले आ जाता है, तो 2 को हम लोग बाहर कर लिए, और इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका तो वैल्यू 1 ही होगा ना, और प्लस x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहां पे क्या बना, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू प्लस
इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो कितना बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि फोर माइनस टू ए बी, तो यहां हो जाएगा फोर एक्स इंटू टू एक्स, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम लोगों ने इसको तोड़ लिया है। तो तोड़ लिए हम लोग इसको, फिर क्या बन रहा है, टू एक्स स्क्वायर को x से मल्टीपल करेंगे तो 2x का क्यूब माइनस टू टू जा फोर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इससे इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा, 2x का क्यूब प्लस 8x माइनस 8x स्क्वायर, बन रहा है ना, जी बिल्कुल बन रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि f डैश x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन ही कर रहे हैं ना। चलिए तो एक्स क्यू को एक साथ करेंगे तो कितना बन रहा है, फोर एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर के साथ अगर करेंगे तो माइनस में बारह एक्स स्क्वायर, और अकेले सिर्फ एक्स वाले को एट एक्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें बन रहा है, फोर एक्स क्यू माइनस बारह एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद अगर आगे बात करें तो क्या बन रहा है, यहां पे देख पा रहे होंगे सबसे पहले क्या कॉमन हो रहा है, तो 4x सब में कॉमन दिख रहा है, तो आप इसको क्या कर लो भाई, 4x को कॉमन कर ले, तो 4x को अगर कॉमन करेंगे यहां क्या बच रहा होगा, x का स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 थ्री जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस यहां 8x चाहिए होता है तो यहां पे 2 करेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या यहां पे कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है तो इसको फोर एक्स का फोर एक्स रखा, ठीक है। अब उसके बाद इसको अगर हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे यानी फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा इसका, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ने पे माइनस टू एक्स और माइनस एक्स मिलकर माइनस थ्री एक्स बन रहा है। फिर यहां पे 4x, इसको इसको अगर देखा जाए इसमें इसमें क्या कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है, x माइनस टू, और यहां x माइनस टू अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस वन। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4x इंटू इसका गुणनखंड हो जाएगा एक x माइनस वन और एक हो जाएगा x माइनस टू, राइट। आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि अभी तक के हम लोगों का ये डिफ्रेंसिएशन आ चुका है जिसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं या फिर इसको डीवाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, राइट। यानी कि कुछ इस तरीके से हम लोगों का इसका डिफ्रेंसिएशन बनेगा। सवाल में सिर्फ और सिर्फ क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तब हम लोग वहां पर सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते, लेकिन यहां पे सवाल क्या बोल रहा है, फोर इंक्रीजिंग फंक्शन, सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है दोस्तों, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल भी होगा, देख लीजिए। और वहां पे इसके पहले ना हम लोगों का ये छूट गया है, इक्वल नहीं दिया, वहां पर सुधार कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इंक्रीजिंग है दोस्तों। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तब ये बराबर का साइन नहीं देते, ठीक है। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोला, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए रूल्स है कि आप इक्वल भी देना है। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, इतना सारा रखेंगे, इतना सारा का मतलब देख पा रहे इधर 4x, एफ डैश एक्स की जगह पर रख देंगे 4x, फिर x माइनस वन, फिर एक्स माइनस टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ठीक है। अब हम आपको क्या बोले कि अगर सिचुएशन ऐसा होती कि यहां पे अगर ऐसा सिचुएशन होता, क्या होता भाई, तो दो फंक्शन होता गुणनखंड में, तब तो हम लोगों का फार्मूला पे आ जाता, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी रहता तो मान लेते, हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
लेकिन यहाँ पे तो तीन तीन खंड है, तीन तीन पद है। तो इस पद में हम आपको बोल चुके हैं पहले कि आप एक नंबर लाइन खींचो, नंबर लाइन खींच लो। अब एक्स के जगह पे अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स होता तो अच्छा, हम आपको तो बोले ना कि एक्स के साथ क्या है माइनस, तो इसका उल्टा लेना है आपको प्लस वन। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स बराबर वन आएगा। यानी जो गुणनखंड होता है दोस्तों, उस गुणनखंड को जीरो के बराबर करते हैं। तो एक गुणनखंड ये है, तो इसको अगर जीरो के बराबर करेंगे तो एगो वन हो गया क्रिटिकल पॉइंट। एक्स माइनस टू को अगर जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा टू, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ। इसीलिए हम पिछले क्लास में, पिछले वाले क्वेश्चन में जो डिस्कस किए हुए थे वहां पे इसका उल्टा क्यों रख रहे थे, माइनस वन का प्लस वन क्यों रख रहे थे, माइनस टू का प्लस टू क्यों रख रहे थे, क्योंकि वो जीरो के इक्वल हो रहा था वहां पे। अब यहां पे अगर प्लस टू रहता तो माइनस टू लिखते, क्योंकि उसको जीरो के इक्वल किया जाता है, जीरो के इक्वल किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं चीजों चीजें क्या हो रही है, वहां पे हम लोग इक्वल करते हैं। अगर मान लिया कि एक फंक्शन क्या है 4x, तो 4x बराबर अगर जीरो करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, जीरो। यानी कि कुल मिलाकर यहां पे कितने कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट तीन ठो होंगे। कौन कौन से तीन ठो होंगे, एक जीरो, एक वन और एक टू। देखिए, तो अगर इसको अगर, क्योंकि तीन गो खंड है ना, तीन गो पद है, इसका गुणनखंड तीन ठो आ रहा है, तीनों को अगर बारी बारी से जीरो के बराबर करा जाए तो यहां पे जीरो, यहां पे वन और यहां पे टू। समझ रहे चीजों को? तो अब बताइए कि जीरो कहां होगा नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले तो जीरो होगा, फिर वन होगा और फिर टू होगा, और इधर बाद बाकी इन्फिनिटी होगा और इधर होगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब उसके बाद आपको जो काम करना है, हमको क्या चाहिए, तो जीरो या फिर जीरो से बड़ा चाहिए, बराबर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे करेंगे क्या कि जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के बीच में एक डब्बा हुआ, दो डब्बा, तीन डब्बा और चार डब्बा। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से इसके बीच का जो नंबर है इसमें रखना है और चेक करना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हम जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी में माइनस एक भी होगा, माइनस दो भी होगा, माइनस तीन, तो हम यहां पे माइनस एक रख के चेक करते हैं। तो चार गुना माइनस एक ब्रैकेट माइनस एक माइनस एक, एक्स की जगह पे माइनस एक रख रहे हैं तो यहां कितना बन रहा है, यहां पे माइनस चार इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, टोटल मिला के किस में आया वैल्यू भाई, माइनस वैल्यू। तो यहां पे कर देंगे माइनस वैल्यू, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। फिर अब जीरो से लेकर एक के बीच में कोई नंबर रखना है, तो जीरो से लेकर और एक के बीच में कौन कौन सा नंबर होगा, तो जीरो पॉइंट एक, जीरो पॉइंट दो, जीरो पॉइंट तीन, ऐसा ही नंबर होगा ना। तो अगर हम यहां पे जीरो पॉइंट पांच रखते हैं, कितना रखते हैं, जीरो पॉइंट पांच, तो एक्स का वैल्यू पे चेक करते हैं कि 0.5 रखने से कैसा आ रहा है। तो चार गुना 0.5 ब्रैकेट 0.5 माइनस एक, 0.5 माइनस दो, यहां हो जाएगा दो गुना, ये आ जाएगा माइनस में 0.5 गुना, ये हो जाएगा माइनस में 1.5। तो टोटल मिलाकर अगर वैल्यू देखा जाए तो कुछ ही नहीं आएगा प्लस में, तो यहां हो जाएगा प्लस वैल्यू। ठीक है, अब वैसा ही आपको चेक करना है कि वन और टू के बीच में कैसा होगा, तो वन और टू के बीच में क्या आता है, तो 1.1, 1.2, 1.3, वैसे ही हम 1.5 पे ले दिए। तो चलिए 1.5 पे लेते हैं चेक करने के लिए कि क्या क्या वैल्यू आ रहा है। तो चार गुना 1.5, यहां रखेंगे 1.5 माइनस वन, यहां रखेंगे 1.5 माइनस टू। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 6 गुना 1 गुना माइनस 0.5,
देख पा रहे होंगे यहां पे जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यानी एक और दो के बीच में क्या वैल्यू आ रहा है, माइनस। अब वैसे ही एक और चेक करना है डब्बा को, वो कितना डब्बा है भाई, तो दो से लेकर इन्फिनिटी तक, तो दो से बड़ा यानी कि तीन चार पांच कुछ भी ले लेंगे, तो यहां पे हम ले लेंगे तीन, तो चार गुना तीन, फिर तीन माइनस एक, तीन माइनस दो, तो चलती है बारह गुना दो गुना एक, तो किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहां पे वैल्यू कितना है, पॉजिटिव। अब आपसे जरा हम सवाल पूछते हैं कि चूंकि हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना से बड़ा चाहिए, जीरो से बड़ा चाहिए, तो जीरो से बड़ा कहां कहां आ रहा है भाई, तो जीरो से बड़ा यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, देख पा रहे हैं, और दो से लेकर इधर तक बड़ा आ रहा है, अनंत तक चला जाएगा। यानी कि हमें तो सिर्फ बड़ा चाहिए, इसलिए बड़ा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव यही दो डब्बा में है, इसलिए जो आंसर बनेगा हम लोगों को क्या बनेगा, जीरो से लेकर कहां तक, वन तक। ये बराबर क्यों सटाया, क्योंकि हम लोगों को बराबर चाहिए, बराबर चाहिए, इसलिए बराबर यहां पे सटा दिए। एंड एंड एक दो से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो दो से लेकर इन्फिनिटी तक यानी कि एक्स तक, एक्स क्या है तो अनंत है, एक्स क्या है अनंत है, या फिर इसको हम लोग एक और आंसर लिख सकते हैं, अगर ऐसा रहता है तो जीरो कॉमा एक और दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट, और एंड इसका मतलब क्या, तो दो के तरफ बड़ा और इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। यानी कि अगर इंक्रीजिंग बोलेगा डिक्रीजिंग बोलेगा हम लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि आपको बढ़िया से डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। डिफरेंशिएशन कर लिया उसके बाद जो आपको काम करना है वो ये देखना है कि इंक्रीजिंग बोल रहा है डिक्रीजिंग बोल रहा है या क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नाइन में ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन प्रूव दैट इतना इतना इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थीटा इन जीरो से लेकर पाई तक के बीच में। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, तो y का वैल्यू कितना है जरा देख लेते हैं, फोर साइन थीटा बाय टू प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ठीक है, इज इंक्रीजिंग, ठीक है, कब, तो इंटरवल जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में। आप जरा समझो, इस बार हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि जो वाई का वैल्यू है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या, कि एफ डैश एक्स का वैल्यू, यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तो हम लोगों का इंक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहा, सिर्फ इंक्रीजिंग बोल रहा है, और कहां से कहां तक के बीच में, तो जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में, यानी कि इतना ही के बीच जो है इंक्रीजिंग होगा, तो हमको ऐसा आना चाहिए, जीरो भी आना चाहिए और जीरो से बड़ा आना चाहिए, लेकिन छोटा नहीं आना चाहिए, तब ना प्रूफ होगा। लेकिन उसके लिए हमको तो एफ डैश एक्स चाहिए, एफ डैश एक्स का मतलब समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन चाहिए, तो यहां पे एफ डैश एक्स नहीं एफ डैश थीटा निकलेगा, क्योंकि थीटा में ना फंक्शन दिया है, समझिए बातों को, यहां वाई का वैल्यू थीटा में दिया है, तो यहां एफ डैश एक्स नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका एफ डैश एक्स नहीं एफ डैश थीटा निकालेंगे, जिसको dy बटा d थीटा भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो आप यार,
क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हम लोग बहुत सारे डिफरेंशिएशन पढ़ा, और मेरे लिए जब इतना डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो मेरे लिए इसका डिफरेंशिएशन करना कोई हार्ड नहीं है, बशर्ते इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो दो पार्ट्स में करेंगे, एक माइनस के उधर वाला, एक माइनस के इधर वाला। तो जो माइनस के इधर वाला है ध्यान से देखिए, इसको यू बाय वी पे तोड़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ये नीचे वाला वी हो गया, ऊपर वाला यू हो गया। फॉर्मूला हम लोग सीखे कि u बटा v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो v का स्क्वायर करते हैं, करो भाई आप 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, v को बाहर कर लो, 2 प्लस cos थीटा को बाहर कर लिया, फिर u का डिफरेंशिएशन कर लो तो d 4 sin थीटा बटा d थीटा, ठीक है, u को बाहर कर लो, v को बाहर कर लो, U का डिफरेंशिएशन, और फिर से माइनस माइनस करो, क्या करो माइनस, U को इस बार बाहर कर लो, यानी 4 साइन थीटा को बाहर, और किसका डिफरेंशिएशन, इसको मिटाते हैं, देख लीजिए ना सवाल में दिया है, U को बाहर V का डिफरेंशिएशन, यानी कि D 2 प्लस cos थीटा बटा D थीटा, और माइनस, अब ये थीटा है तो थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, थीटा बटा डी थीटा तो वन, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर डिफरेंशिएशन लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से मामला आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिख दो 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो 4 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 4 साइन थीटा ऑलरेडी है, इनटू 2 का तो डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन थीटा, और माइनस 1 ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो चलिए हम लोग फिर से ऊपर मिटाते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। चलिए तो अभी जो हम लोगों का बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस 4 cos थीटा को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 2 जा 8 cos थीटा, और प्लस 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 4 को cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस कितना बनेगा 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, तो 8 cos थीटा, यहां यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, तो प्लस कॉमन, जो 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है यहां पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, कुछ इस तरीके से बन रहा है। और आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, क्या पढ़े भाई 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू कितना होता है 1, तो यहां पे रख दिया 1, और 4 को 1 से मल्टीपल किया तो कितना बन रहा है 8 कॉस थीटा प्लस 4, क्योंकि इसका तो वैल्यू 1 हो गया है ना, बटा में कितना 2 प्लस कॉस थीटा माइनस में 1। अब हम जान रहे हैं कि 4 ऊपर से कांस्टेंट और कॉमन हो रहा है, तो 4 कॉमन कर लो भाई, आप 4 को कॉमन किया तो यहां पे कितना बच रहा है 2 cos थीटा, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा गुड माइनस 1, ठीक है। चलिए अब इतना चीज करने के बाद हम लोग आगे का काम करेंगे, तो यहां से हम लोगों का शो उसके नीचे लिखेंगे शो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं
सॉरी सॉरी थीटा, एफ डैश थीटा का वैल्यू कितना आया, तो 4 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस 1, यही आया ना। अब इसको हमको क्या प्रूफ करना है, इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो इंक्रीजिंग तभी ना प्रूफ होगा जब एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो रहे या फिर जीरो से बड़ा रहे। तो चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं। अब चेक कहां कहां के बीच कर में करना है जरा देखते हैं। तो अब हम लोग यहां पे चेक करेंगे, ठीक है। अब चेक कहां से कहां तक के बीच में करना है भाई, तो जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में। ध्यान दीजिएगा, जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में चेक करना है। तो हम चूंकि बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है क्या, उसको लेकर, अगर ऐसा रहता जीरो और पाई बाय टू को ऐसे रहता तब हम जीरो पर चेक नहीं करते हैं, जीरो को छोड़कर चेक करते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ ब्रैकेट लगा हुआ रहता है का मतलब इसको भी आप लेकर चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा ब्रैकेट रहेगा इसका मतलब है इसको कभी नहीं लेना है, इसके बाद का लेना है। जीरो और पाई बाय टू के बीच में आप एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, 30, 40, 50 ले सकते हो, लेकिन जीरो और 90 इस केस में नहीं लेना रहता है। लेकिन बड़ा ब्रैकेट जब रहेगा तो जीरो और पाई बाय टू ले सकते हैं आप। तो आप क्या करेंगे यहां पे, कितना कितना पे चेक करेंगे, तो एट थीटा बराबर जीरो पे भी हम चेक कर सकते हैं भाई, क्योंकि इसके बीच में भी होना चाहिए और इसको लेकर भी होना चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, एट थीटा बराबर 30 डिग्री पे भी चेक कर सकते हैं, एट थीटा बराबर 90 डिग्री पे भी चेक कर सकते हैं, एट थीटा बराबर 60 डिग्री पे भी चेक कर सकते हैं। और जब इतना चेक कर लेंगे तो इतना से तो हम लोग को कुछ पता चल ही जाएगा कि आखिर कितना कितना वैल्यू आ रहा है। तो ये कंडीशन था कि इतना के बीच में हमें निकालना है। अब जब आप थीटा जो है जीरो रखिएगा तो एफ डैश थीटा का मान कितना है, तो थीटा की जगह पे कितना रखना है, जीरो। तो यहां हो जाएगा 4 × 2 और कॉस जीरो का वैल्यू कितना, तो 1, तो 2 का तो 1 2 ही रहेगा प्लस 1 बटा कॉस जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू 1। अच्छा स्क्वायर छूट रहा था, स्क्वायर नीचे वहां पे देख लीजिएगा पीछे छूटा हुआ है कि नहीं, छूटा होगा तो आप कर लीजिएगा। कॉस जीरो यहां रखेंगे तो 1 और 2 में एक जोड़ेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 और यहां पे देखिए तो 2 और 1 3, 3 चौका 12, 12 बटा 9 माइनस 1, तो 12 बटा 9 में से 1 को घटाएंगे तो आपको कितना बनेगा, दैट इज अ कितना बनेगा 3/9, यानी कि कुल मिलाकर पॉजिटिव वैल्यू आया, पॉजिटिव वैल्यू आया। अब जरा 30 डिग्री पे देखते हैं, तो 30 डिग्री पे कितना आएगा, तो एफ डैश थीटा देख लो भाई, 4 कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो 2 तो पहले से ही है, इसके जगह पे √3/2 रखेंगे तो यही एक कट जाएगा और प्लस 1 बटा 2 प्लस कॉस 30 रखेंगे तो √3/2 का होल स्क्वायर होगा और माइनस में 1। आप इन चीजों को सॉल्व करेंगे ना, आप इन चीजों को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर हमें क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू प्लस में आंसर आएगा। विश्वास नहीं, आप उसको खुद से चेक कर सकते हैं। थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखा तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है भाई, 0। तो चलो यहां पर देख लेते हैं, तो अगर इस केस में एफ डैश थीटा कितना होगा, तो 4 तो ऑलरेडी है, यहां कॉस 90 रखेंगे तो कॉस 90 का वैल्यू 0 और 0 को 2 से गुना करेंगे पूरा 0, तो यहां बच जाएगा 1 और 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही बचेगा बटा कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0 और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1, तो 4 से कितना बार में कटा, 1 और 1 माइनस 1 मिलके कितना, 0 और 60 रखिएगा तो यहां पे 60 रखेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, एफ डैश थीटा का वैल्यू यहां पे जो बनेगा, 4 तो ऑलरेडी बाहर है, अब यहां पे 60 रखेंगे तो 2 cos 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/2, तो यहां अगर 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 2 कट जाएगा
वन बचेगा और वन और मिलके टू बनेगा, बट्टा टू का तो ठीक है। अब यहां पे 60 रखेंगे तो 2 प्लस 1 बाय 2 का क्या बनेगा स्क्वायर, माइनस में 1, 4 दूना का 8 बट्टा। अब इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूना 4 और एक 25 बटा 4, ठीक है माइनस 1। आप इसका भी सॉल्यूशन कीजिएगा, नीचे वाला 4 को ऊपर ले जाइएगा, प्लस में वैल्यू आएगा। तो इतना सारा चीज चेक करने के बाद आपको क्या पता चला, अब आप यहां लिखिएगा उसके नीचे हियर, यानी कि इतना चीज चेक करने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, हियर एफ डैश थीटा का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर भी आ रहा है और 0 से बड़ा भी आ रहा है, 0 से बड़ा प्लस में आ रहा है। सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल कितना, 0 से पाई बाई 2। इस तरीके से हम लोग का ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चंस है ना ये हार्ड नहीं है, आपके करने का हौसला चाहिए कि भाई एफ डैश पहला तो आपको डिफरेंशिएशन कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा सर 4 बोर्ड का बन रहा है, 8 बोर्ड का बन जा रहा है, भाई तेरा तो आधा तो डिफरेंशिएशन है, तुमको तो आधा ही ना समझना है। एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है चेक तो करना है, चेक करने के बाद जो पता चलेगा लिख देंगे और प्रूव हो जाएगा। तो चीजें बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस अर्थे करने का थोड़ा सा हौसला तो रखना पड़ेगा यार, क्योंकि आप मैथ्स ले भी लिए और करने का अंदर से शक्ति नहीं है तो फिर कैसे हो पाएगा, करना है, डटे रहना है, हार नहीं मानना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देख पा रहे होंगे अगला जो क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है दसवां क्वेश्चन में, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई भी एफ एक्स जो है एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। क्या है, तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब एफ एक्स जो है एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, उस लॉगरिथमिक फंक्शन को हमें प्रूफ करना है कि कितना होगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या लिखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से लेकर। हमको क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट एफ एक्स का वैल्यू लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब होता है लॉग एक्स। हम आपको कई बार बता भी चुके हैं कि लॉग का पूरा नाम लॉगरिथम है, लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, लॉग एक्स। हमको क्या प्रूफ करना है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कितना इंटरवल के बीच में, तो इन 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में, 0 के इधर लगाया हुआ छोटा ब्रैकेट, मतलब 0 पर चेक नहीं करना है, 0 से बड़ा पर चेक करना है, लाइक 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, यही ना। तो सबसे पहले तो तुम्हारा काम क्या है कि एफ डैश एक्स निकालना, तो नाउ अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स, पक्की बात जी, बिल्कुल। अब जब 1 बाय एक्स रखेंगे यहां पर तो हो तो गया डिफरेंशिएशन, अब हमको क्या करना भाई, चेक करना है, कितना से कितना के बीच में चेक करना, जरा यहां पे देख लो भाई, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में चेक करना है। अब 0 को छोड़ देना है क्योंकि यहां एक तरफ छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो 0 के बजाय हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इट मीन्स 4 5 ऐसे ले सकते हैं। अब आप चेक कितना पे भी कर लो, एड हम ले लिए अपने तरफ से एक्स बराबर 1 ले लिया, एड एक्स बराबर 10 ले लिया, चलो तुम्हारी खुशी के लिए आगे भी ले लेते हैं और एक ठो 15 ले लिया, ठीक है। और तुम्हारी इच्छा है तो पूरा बोर्ड पूरा कॉपी भरते चले जाना, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारा नंबर है, करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ भी इसी के अंदर आता है, 0 और अनंत के बीच आता है। तो चूंकि हम 3 ही ले रहे हैं अभी, तो जब एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा 1 बटा 1। अब ये क्या कैसा वैल्यू है, तो पॉजिटिव,
प्लस में वैल्यू आंसर आ रहा है। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू 10 लेंगे तो 1/x यानी कि 1/10 का वैल्यू कितना आएगा, प्लस में आएगा वैल्यू। अरे हम ये नहीं बोल रहे कि कितना आएगा, हमको सिर्फ ये चेक करना है कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, तभी ना क्रिएट होगा कि वो बड़ा है कि छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे 15 लेते हैं, तो कितना भी देख लो आप, कितना भी लेंगे तो किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से आपको पता चल गया, क्या पता चला, कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है हमेशा जीरो से बड़ा आ रहा है, कभी जीरो नहीं आ रहा है। देख पा रहे होंगे, कभी जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चला, हियर यहां इसके नीचे लिखिएगा आप लोग, यहां पे आपको ये पता चला कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है हमेशा जीरो से बड़ा आ रहा है। बराबर भी आया, बराबर आता तब हम यहां पे बराबर लिखते हैं, यहां पे जीरो आ गया। सो जब ऐसा आता है वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और हम लोग को बोल भी रहा था कि आप प्रूव करो कि लॉगरिथमिक फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक के बीच में, तो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में। तो सो यहां पे लिख देंगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल जीरो टू पाई, जीरो सॉरी पाई गलती हो गया, जीरो से लेकर इन्फिनिटी। तो ये चीजें हमको प्रूव करना था, सो प्रूव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 10 था, अगले क्वेश्चन 11 नंबर पे देखते हैं 11 नंबर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में और हमें क्या करना होगा। चलिए 11 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बोल रहा है, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि एफ एक्स का वैल्यू सवाल में दिया है, कितना दिया है, x² - x + 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल, कहां से कहां तक के बीच में, तो -1 और 1 के बीच में। देखिए सबसे पहले क्या प्रूफ करना है ये बात छोड़ दो, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, x² - x + 1, ठीक है, कि जो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहता है उसी से हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको एक बार डिफरेंशिएशन करने का, क्या करने का, एक बार डिफरेंशिएशन करने का। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हमें एफ एक्स का वैल्यू कितना दे दिया, x² - x + 1, ठीक है। अब यहां पे प्रूव क्या करना है कि नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि नहीं वो इंक्रीजिंग है और नहीं वो डिक्रीजिंग है। इसका मतलब कि आप जब चेक करेंगे यहां पे, जब आप यहां पे चेक करेंगे तो आपको कुछ बार पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो कुछ बार निगेटिव वैल्यू आएगा। समझ रहे बातों को जो हम बोल रहे हैं, यानी कि कितना कितना के बीच में, तो -1 और 1 के बीच में। तो आपको प्रूफ करना है कि आप प्रूफ कर दो हमें कि ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, कितना कितना के बीच में, तो -1 और 1 के बीच में। ध्यान रहे -1 पे आप चेक नहीं कर सकते, 1 पे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट है। आपको जब भी इस केस में चेक करना होगा तो उसके बीच का नंबर लेना होगा। समझ रहे बातों को, यानी कि जब इसका में चेक करने बैठेंगे आप तो अगर प्लस में भी आए माइनस में भी आए तभी ना ये नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि प्लस में भी आता हो माइनस में भी आता हो तभी ना उसको बोलेंगे कि ना तो ये बढ़ ही रहा है और ना तो ये घट ही रहा है। सो यहां पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, और जो एफ डैश एक्स निकलेगा दोस्तों उसको हम लोग चेक करने बैठेंगे
कि क्या आता है चेक करने का रिजल्ट, और उसी रिजल्ट से डिसाइड करेंगे कि ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, इसका कितना होगा भाई, एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, राइट, माइनस एक्स का माइनस वन, वन का तो कोई कहना ही नहीं है भाई, वन का तो जीरो। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया, अब आप क्या करोगे, यहां पे चेक करने बैठोगे। अब हम जो चेक करेंगे वो कितना कितना पे चेक करेंगे जरा लिख लो, हम जब चेक करेंगे तो कितना कितना पे चेक करना है, एट एक्स बराबर, हम या तो पहले सोचो कि माइनस वन और वन के बीच में कितना सारा नंबर होगा, तो माइनस वन और वन के बीच में जीरो आता है, 0.5 आता है, 0.6 आता है, माइनस में 0.1 आता है, 0.2 आता है, ढेर सारा नंबर आता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करेंगे क्या, सिंपल सी बात, पहले जीरो पे चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एट एक्स बराबर 0.5 पे चेक कर लेंगे, एट एक्स बराबर माइनस में 0.8 ले लेंगे, सब तो इसके बीच में आ रहा है, ध्यान रहे माइनस वन पे चेक चाहे वन पे चेक नहीं करना है। ठीक है, चीजों को समझ पा रहे हैं? तो आपको लग रहा होगा सर तीन ही पॉइंट क्यों चेक कर रहे हैं, आप तो 0.6 पे भी चेक कर सकते हैं। हम बोले हाँ भाई क्यों नहीं, चलो तुम जब बोल रहे हो तो ऐड कर लेते हैं आगे, 0.6 पे चेक करना है, हम 0.2 माइनस में भी ले सकते हैं क्योंकि इसके बीच आता है। तो अब इतना सारा ले लेंगे हम लोग, सिर्फ इतना ही लेंगे और फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू हो पा रहा है। ठीक है, तो जब x का वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो एफ डैश एक्स का मान कितना आ रहा है, तो x में जीरो रखेंगे तो 2 में जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो और माइनस एक, यानी कि माइनस एक, यानी कि ये वैल्यू हो गया माइनस। ठीक है, ये वैल्यू हो गया माइनस। अब एक और चीज चेक कर रहे हैं लेकर, क्या एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे भाई, तो एक्स के जगह पे कितना रखना, मेरे को 0.5 रखना, तो यहां पे 0.5 रखेंगे तो 2 गुना 0.5 माइनस एक, तो आप देख पा रहे होंगे 1 माइनस एक जीरो आ गया, माइनस में 0.8 रखना है, एक्स के जगह पे रखेंगे, एक्स की जगह पे माइनस में 0.8, तो हो गया 2 गुना माइनस में 0.8 माइनस 1, यानी माइनस 1.6 माइनस 1 यानी माइनस 2.7, यानी कि माइनस में वैल्यू आ गया, माइनस में आया, किसमें आया भाई, माइनस में। ठीक, 0.6 पे चेक किया तो आप पाएंगे कि यहां पे क्या करना है, 2x, x को 0.6 को 2 से मल्टीपल करना है, तो कितना होगा 1.2 माइनस 1 यानी कि 0.2, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, टोटली बात को देखा जाए, तो हमें जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, निगेटिव वैल्यू आ रही है, जीरो आ रही है, समझ रहे बातों को, यानी कि इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में हमें पॉजिटिव भी आ रही है निगेटिव भी आ रही है, तो इसीलिए तो हमको प्रूफ करना है कि नाइदर इंक्रीजिंग, प्रूफ करके दिखाओ, और नो डिक्रीजिंग का मतलब नहीं इंक्रीजिंग और नहीं डिक्रीजिंग। तो अब आप यहां से लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, हियर जो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो रही है ये या तो जीरो से बड़ा हो रही है, एक बार एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से बराबर भी हो जा रही है, देख पा रहे होंगे जीरो से बराबर भी हो रही है, प्लस भी हो रही है, और एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है निगेटिव भी आ रही है, मतलब कि माइनस में आ रही है। तो यहां से हम लोग को प्रूफ हो चुका कि ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं है भाई कि जो बड़ा भी हो छोटा भी हो, इसीलिए प्लस माइनस सब वैल्यू आ रहा है, तो हम लोगों को प्रूफ हुआ इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन माइनस वन टू वन। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे नीचे प्रूफ। तो सवाल समझ में आ रहा है, कोई चीज हार्ड नहीं है,
जो प्रूफ करना है हमको, प्रूफ हो गया कि ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसमें तीनों चीजें आ रही है, प्लस में भी आ रही है, माइनस में भी आ रही है और जीरो भी आ रही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं। क्वेश्चन नंबर कौन था ये? 11। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, यहां पे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 बोल रहा है, जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, यानी 0 से लेकर π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ध्यान दीजिएगा, सवाल बोल रहा है 12 का चार गो सवाल है, ए बी सी डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 12 का ए नंबर सवाल क्या है, cos x cos 2x cos 3x cos 4x cos 4x। ठीक है, अब इस चारों के लिए चेक करना है कि कौन सा इसमें से डिक्रीजिंग होगा 0 से लेकर π/2 के बीच में, यानी कि हमें सवाल क्या बोला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/2 के बीच में। सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सिचुएशंस कैसी है, हमें कैसा काम करना होगा, सवाल क्या बोल रहा है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या बोल रहा है भाई, कि स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए कहां से कहां तक के बीच में, 0 से π/2 के बीच में। अब आपके पास चार ऑप्शंस दिया हुआ है, एक cos x है, एक cos 2x है, cos 3x है और cos 4x है, चार ऑप्शन है। बोल रहा है कि fx का मान क्या रहे कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए 0 से लेकर π/2 के बीच में। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब दोस्तों कि f'x का वैल्यू 0 से हमेशा छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, 0 से हमेशा छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के सवाल में हमको करना क्या है, सवाल बोल क्या रहा है कि कौन सा fx का वैल्यू रहेगा, ये चारों ऑप्शन को बारी बारी से fx पे चेक करना है, किस fx का मान इस चारों में से क्या लिया जाए कि जो हम लोगों का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए 0 से लेकर π/2 के बीच में, ये चीज होना चाहिए। और चेक कहां कहां करेंगे, तो 0 और π/2 को छोड़ के चेक करेंगे, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोई सा भी नंबर लेंगे, लेकिन हम लोग 0 और π/2 पे चेक नहीं करेंगे, राइट। चलिए तो हम इस सवाल में पहले सवाल को लेकर चेक करते हैं। पहला सवाल क्या है, cos x। तो हम अब क्या यहां पे काम करते हैं, अब पहला सवाल को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन में है, लेट fx का वैल्यू मान लिया cos x, क्योंकि a में तो cos x है, तो इसका f डैश x निकालेंगे। एक बार जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में sin x। अब इसको आपको चेक करना है भाई, कहां कहां पे चेक करना, आपको चेक कहां कहां पे करना, तो 0 और 90 डिग्री के बीच में लेना है। तो 0 और 90 डिग्री के बीच में कौन कौन सा होता है, तो एट x बराबर हम 30 डिग्री ले सकते हैं, राइट, एट x बराबर 45 डिग्री ले सकते हैं, उसके बीच में एट x बराबर 60 डिग्री ले सकते हैं ना। जब x बराबर अगर x रखते हैं तो f डैश x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो माइनस और साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी कि माइनस में वैल्यू आ रहा है, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तभी ना होगा जब सब माइनस में आए, सब वैल्यू माइनस में आए,
तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू माइनस में कितना हो जाएगा, साइन 45, साइन 45 का माइनस 1/√2 यानी कि माइनस वैल्यू आ। जब आप साइन 60 पे भी चेक करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे माइनस का माइनस लिख दिया, साइन 60 का √3/2, तो कुल मिलाकर माइनस आ रहे हैं। तो आप चेक कर पा रहे होंगे कि यहां से हम लोगों का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए था, यानी कि माइनस में सब चाहिए था, माइनस में सब आ गया, इसलिए बोलेंगे कि पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, यानी कि हियर, फिर उसके नीचे लिखिएगा हियर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आ रहा है हमेशा जीरो से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, कितना से कितना के बीच में, तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में, विच इज ट्रू, इसलिए ये क्या है, सत्य है। तो इसका जो 12 का ए बी सी डी ऑप्शन था उसमें से ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से बी को भी चेक करना है, उसी तरीके से सी को भी चेक करना है, और उसी तरीके से डी को भी चेक करना है, ठीक है। चलिए अब आपको ये लग रहा होगा कि सर चार वो ऑप्शन में जब ये वो ऑप्शन सही हो गया तो कहला बी और सी और डी चेक करते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो साथियों आपको जो है ना करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैथ्स का स्टूडेंट है तो आप हार क्यों मानते हो, मान लिया कि अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, करेंगे तो किसको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम खुद ना, यानी कि अगर मान लिया कि चार गो को तो चेक करके ही निकल सकता है, अगर मान लिया कि तुम्हारा डी वाला सही होता तो तुम तो ए बी और सी तो जरूर चेक करता, अगर ये वाला ऑप्शन डी में होता तो तुम ए बी सी चेक करता कि नहीं करता, एकदम करता। तो जब तुम्हारा पहला बार में अगर यस निकल जाएगा तो तुम निगेटिव क्यों सोच रहे हैं कि सर पहला बार निकल गया तो आगे क्यों चेक करेंगे, नहीं भाई ऐसा निगेटिव थिंकिंग कभी सोचना ही नहीं। पहला बार में अगर आ गया तो तुम बी वाला चेक करो, चेक करने से क्या होगा, बनाने से क्या होगा, अंदर की विल पावर एनर्जी बढ़ेगा और फिर खुद से भी पता चलेगा कि हाँ जरूर कुछ यहाँ पे ऐसा होता है और कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसलिए हमेशा लाइफ में ना एक बार कभी भी सही चीज पा लेने से मेहनत करना छोड़ देना ये कभी भी गलत नहीं, कभी सही नहीं है सॉरी, क्योंकि आप किसी भी चीज का एक चीज आप अचीव कर लिया, हासिल कर लिया, इसका मतलब क्या मेहनत करना बंद, नहीं, मेहनत करेंगे चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा चीजें सामने क्यों नहीं आए। तो चलिए बी वाले को हम चेक करते हैं, बी में लेट मान लेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, ठीक है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा ना भाई, चलो करते हैं। तो इसका जो एफ डैश एक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका जो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है हमको सीखे है ना कि कॉस के बगल में 2x है तो डी 2x, और नीचे वाला 2x ऊपर गया नीचे में dx, तब ना इसका डिफरेंशिएशन होता है। कॉस के जो बगल में होता है उस कॉस के जो बगल में होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, 2x है तो 2x के रिस्पेक्ट में, और 2x का जो करेंगे वो होगा x के रिस्पेक्ट में। तो कुल मिलाकर अगर बातें कुछ इस तरीके से बन रही है, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन 2x, ठीक है, इनटू 2x का क्या बन रहा होगा, 2x का बन रहा होगा 2, ठीक है, तो 2x का बन रहा होगा 2। अब यहां पे कुल मिलाकर जो चीजें बन रही है वो कितना बन रही है, माइनस 2 sin 2x, यही ना, ये तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया। अब इसी को हमको क्या करना भाई, चेक करना है, कितना कितना के बीच में चेक करना, तो जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में चेक करना है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में चेक करना। तो अब आप कितना कितना पे चेकआउट करोगे, जैसा कि जानते रहे ना हम लोग सब कुछ सवाल वही है, उसी उतना ही पे चेक करना है, सिर्फ ए बी सी डी ऑप्शन बदला हुआ है, ठीक है।
तो यहां पे अब हम यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं कि एट x बराबर हम 30 पे भी चेक करेंगे, एट x बराबर 45 पे भी चेक कर लेंगे, एट x बराबर 60 पे भी चेक कर लेंगे। तो जब 30 पे चेक करेंगे तब f डैश x कैसा बनेगा और जब 60 पे भी चेक करेंगे तब कैसा f डैश x बनेगा, जरा देख लेते हैं। तो जब x का वैल्यू 30 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2 इंटू साइन 2 इंटू 30 तो साइन 60 और -2 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो यहां पे देख पा रहे होंगे 2 से 2 कैंसिल, तो यहां माइनस में √3 यानी कि माइनस में वैल्यू माइनस में आ गया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बन गया माइनस में। अब कुल मिलाकर यहां पे ये देखा जा रहा है कि अगर x के जगह पे 45 होता तो यहां पे कितना बनता, -2 गुणे साइन 2 गुणे 45, तो 2 गुणे 45 का मतलब 90 और साइन 90 का वैल्यू 1 और 1 को अगर -2 से गुणा करेंगे तो -2। यहां पे क्या आ रहा है, माइनस वैल्यू आ रहा है, ठीक है माइनस वैल्यू आ रहा है। अच्छा 60 पे चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, तो -2 इंटू साइन 2 गुना 60, तो 2 गुना 60 कितना होता है 120, ठीक है। और साइन 120 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, साइन 120 का कितना होता है भाई, तो साइन 120 का वैल्यू होता है साइन है कोस बी प्लस कोस ए कॉस ए कॉस 90, हाँ ठीक है। तो यहां पे जो होता है साइन है कॉस में ना, तो कॉस 30 कितना होता है √3, हाँ इसका वैल्यू हो जाता है √3/2। साइन 120 का कितना होता है √3/2, तो यहां पे साइन 120 के जगह पे आप √3/2 लिख दो, तो 2 से 2 कट गया यानी कि माइनस में √3। आप देख पा रहे होंगे सभी चीजें यहां पे भी क्या मिल रही है, माइनस में, तो सभी चीजें माइनस में मिल रही है तो ये पक्की बात हो गई कि f डैश x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो यहां पे आप ये लिख दो कि यहां भी हमें क्या मिल रहा है, हियर यहां भी मिल रहा है f डैश x का वैल्यू 0 से छोटा। सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, छोटा रहता तो डिक्रीजिंग इन कहां से कहां तक 0 से π/2, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी प्यारे दोस्तों सही है। तो इसलिए जो ये सोच रहा होगा पहला ऑप्शन में कि हम लोगों का तो अब तो सही हो गया आगे चेक नहीं करेंगे, तो कभी 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 ऐसी सिचुएशन भी आती है दोस्तों, ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पे हम लोगों को दो तीन ठो ऑप्शन सही हो जाते हैं, यानी 100 में 99 ऐसा होता है कि देख पा रहे होंगे। इसलिए अभी तक के जो हम ए बी सी डी में से चेक कर रहे थे उसमें दोनों का दोनों सही हो गया, दोनों का दोनों में से सब माइनस माइनस माइनस। उसी तरीके से और दो वो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, ये सी और डी आप खुद चेक कीजिएगा और इसको चेक करके आप जरूर से जरूर, गलत हो या सही हो, आप जरूर से जरूर उस ग्रुप में आप सेंड करेंगे जो जिस ग्रुप को मैंने क्रिएट किया है फॉर पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना है सी और डी को। तो टोटल मिलाकर हम लोगों का जो आज डिस्कस हुआ वो क्वेश्चन नंबर 12 तक के डिस्कस हुआ। अब जब भी क्वेश्चन आगे करेंगे अगले क्लास में तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं और बाकी जो दो ठो चेक करने के लिए छोड़े हुए हैं वो है आपके लिए, आप जरूर इन चीजों को बनाइए और फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।